मेहमान आए हैं रानी, आइए आप हैं जो तीनों प्राणी के तन पर के बस्तर कर खोल दिया, हर मारते बिजली का कोड़ा से राज दरबार से भगा दिया। बड़े मालिक देख क्या दुर्दशा बना करके आए हैं, क्यों आए हैं? ये आए हैं रानी अपना लोगों को ले जाने के लिए। सबसे पहले रानी, अगर दुश्मन किसी जगह मिल जाए तो उसको मान सम्मान करना चाहिए, ताकि वह दुश्मन का कभी कलेजा दो टुकड़ा हो जाएगा। काला जोरी मिनती करिए ये मालिक जी के दादा है सो हागन दुलाहीन हमार अमरा सिंदूर दुलाहीन राता दुनिया चला 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 छटकी महाबा बजाए मिली चूल रहबै छटकी सारा तपारी बाद। रुद्र सिंह ना जाने यार, जिस रोज सारी गलती मैंने माफी मांग रही थी कि मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दीजिए, उस रोज तुम मुझे घर से धक्के दे करके बाहर कर दिया गया। यहाँ तक कि उस दरबार में, जिस दरबार में मैंने कभी जाती नहीं थी, उस दरबार में भरे हुए सभा में दुशासन की तरह चीर खींच करके भगा दिया गया। किस लिए हम लोग जाएंगे रहने? मैंने भाई साहब को बहुत समझाया कि भाई साहब हम लोग जंगल को छोड़ करके नहीं जाएंगे, हो सकता है फिर दोबारा जाएंगे, किसी न किसी ने दोनों भाई में झगड़ा हो जाएगा, मेरे नाम से राजपाट है ही नहीं, कुछ नहीं है, हो सकता है फिर दोबारा मार पीट करके आप घर से भगा भी सकते हैं। लेकिन भाई साहब ने बोले कि नहीं रुद्र सिंह, अब ऐसा हमारे साथ नहीं होगा, जो मैंने किया वो तू भी पाया और साथ साथ मैं भी पाया। देख रानी, हम लोग के लिए मेरे भाई कितना शरीर पर कष्ट उठाया है, देख नजर उठा करके। सब कुछ मैं देख रही हूँ। और मैंने भाई साहब को पूछे कि भाई साहब भाभी सोना इस वक्त कहाँ है, तो भाई साहब ने बोले कि रुद्र सिंह तुम्हारे भाभी राजमहबा की महलों में है। ठीक है चलिए, मैं जाने के लिए तैयारी हूँ, चलिए फिर कभी। ओए रानी, घर तो जाने के लिए तैयारी हो गई, फिर किसी न किसी रोज बच्चे बच्चे में झगड़ा होगा, फिर तुम ऐसा झगड़ा तो दोबारा नहीं करवाएगी दोनों भाई। देख आज नजर उठा करके। सियाना का बीच में वो झगड़ा आ गया, देख भाई भाई में नाता टूट गया, गोतनी गोतनी में नाता टूट गया, बेटा बेटा में नाता टूट गया, कोई किसी को नहीं देखा, कहां कौन है नहीं है। चार पैर की हाथी होती है वो भी हाथी होते हैं वो भी झुक जाते हैं, लेकिन दो पैर का मनुष्य का कौन गारंटी है, कब कहां गिरेगा नहीं गिरेगा, गिरेगा संभलेगा, गिरेगा संभलेगा। जब सुबह का खोया हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे खोया हुआ नहीं कहा जा सकता है। जब इंसान गिर जाते हैं तो जरा संभल करके उठते हैं। तो चल रानी, अब तो कभी झगड़ा नहीं करेगी, इसमें बच्चे बच्चे की बातों में कभी ना किसी इंसान को आना चाहिए, ना बच्चे की बात वहीं खत्म कर देना चाहिए जहां तक उसका सीमा है, फिर बच्चे, मेरी गोती बोल रही थी कि फिर बच्चे एक ही जगह खेलता है,
वही हालात। अगर इस बात को मैंने मान लेती तो इस तरह की बताबर इतनी बड़ी घटना नहीं होती। ठीक है, चलिए चलो चल से तुम्हारी भाभी भी इंतजार करती होगी। ठीक है भाई साहब, मैं एक बार गोदी से मिलना चाहती हूँ। मेरे रानी के कहने का मकसद यह है कि आपने दोनों भाई मिलजुल गए हैं, मुझे भी बड़ी गोतनी से मिलने की शौक है। आपको बोल रहे हैं कि आप महल जाइए, महल से भाभी सोना को ला करके दरबार में दीजिए, रानी भाभी सोना मिलेगी जुलेगी, फिर दोनों मिलकर के महल जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जाइए। अगर ऐसी बात हो मैं तुम्हारी भाभी को अभी तुरंत बुला करके तुम्हारे सामने कर देता हूँ। ठीक है भाई साहब, आइए। आप है बैजू यादव चार नंबर वार्ड, आप है बैजू यादव चार नंबर वार्ड, उनके तरफ से 55 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद जय भारत। हमारे मान्य मेला कमेटी, समस्त मेला कमेटी के तरफ से शानदार 500 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद जय भारत। आपने बोले कि रुद्र सिंह जा रहा तुम्हारे भाभी को महल से दरबार लाने के लिए, तो भाभी कहाँ है? रुद्र सिंह, मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे निकल गया, और वैसे भी मुझे भी परसों साल बीत गया ये जंगल में ही, और ऐसा भी तो हो सकता है कि हम दोनों भाई के नहीं रहने के कारण तुम्हारी भाभी नहर चली गई होगी, इसलिए राज बहुबा के दरबार में नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों कुछ देर वेट करो, मैं तुम्हारी भाभी को नैना किला से बुला करके तुम्हारे सामने कर देता हूँ। भाई साहब, भाभी नैना किला नहीं गई। नैना किला नहीं गई? नहीं। फिर भाभी के साथ आज सुरमलपुर में सुरमल सिंह शादी करने वाला है। सुरमलपुर? हाँ, सुरमलपुर क्या करने के लिए? झूठ मूठ का मेला सुरमल सिंह ने लगाया था अपने सुरमलपुर में, वही मेला देखने के लिए भाभी गई थी, उसी मेला से टोला उठा करके ले गया। आज 12 बरस भाभी का खत्म हो रही है, उसके मांगों में सिंदूर डाल देंगे, भाभी सोना सुरमलपुर का रानी बन जाएगी। तलवार तरकस
चल दो ना भाई साले सुरवणपुर में जाकर के सुरवण सिंह के सर उतार करके राज दरबार में टांग देंगे। नहीं भाई साहब, जब तक बाबू रुद्र सिंह जिंदा रहेगा तब तक आपको मैदान के बीच में जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप दरबार को संभालिए, जा रहा हूँ सुरमलपुर, देखेंगे सुरमल सिंह का कितना अपने माँ का दूध पिया कि साला मेरे राज महापा पर हुआ नजर उठा करके देख लिया। ठीक है रुद्र सिंह, अगर तुम्हारे यही इच्छा है कि भाई साहब आप राज को चलाए, मैं फैसला कर लेंगे, मेरे तरफ से आधे से तुम जा सकते। ठीक है, आप जा सकते, बैठ सकते। हरानी हाँ, तुम जाओ यहाँ से महल, जा रहा हूँ यहाँ से सुरमलपुर भाभी सोना की दूल्हा वापस लाने के लिए। ठीक है, मैं बैठती हूँ। बैठे फूले महल चली जाए, जहाँ पर लगी आये है फूला आइए दोस्तों, आप है आरी रानी मलिक रानी बोल सुरमल से बारह वर्ष तक तुमको गुजर गई है। आप क्यों दिखा रहा है? आप क्यों दिखाएंगे? आप दिखाएंगे। चंडाल की बच्चा कभी हंस के बात नहीं करता। रानी आप आंख नहीं दिखाएंगे, आप तो मेरा मर्जी है। मेरा मर्जी है तो तैयार है सर कुछ। मरवा भी तैयार है। अच्छा अच्छा, बराती भी तैयार है। अगर पूछे हुए कितना खस्सी मुर्गा अंडा पैदा सब कट गया। रहने को घर में या कच्ची मुर्गा अंडा कट गया। क्या बात करती है, सब कुछ कट गया, बिल्कुल रेडी है, चल शादी कर लेते हैं। और कोई बात है तो बोल। आप क्या रहेगा, फकीर से मांग कर मैं क्या करूंगी? मुर्गा कट गया, खस्सी कट गया, गिटार चल जाई, मरवा तैयारी हो गई, ये कुत्ता का औलाद। लेकिन मेरे लिए एक साड़ी नहीं आया, तुम्हारे लिए पैंट शर्ट नहीं आया। सोना रानी, इसमें मेरा भूल, मुझसे सीखना। अच्छा ठीक है, इसी टाइम इसी वक्त मार्केट में जा रहा हूँ। अरे जब तुमसे शादी करेगा सुरमल सिंह, गोला उठा कर लाते हैं कपड़ा को। गोला क्या लगेगा, तुम तो घूर घूर के तुम्हें याद आता है। ठीक है, हम जा रहे हैं। कैसे कैसे चले जाएगा, जब मंगनी की कन्या मिल रहा है तो तुम नचनिया भी लगा ना। अच्छा, रास्ते में डीजे वाला बैंड पार्टी करा के तुम नचनिया बजनिया जो भी मिलेगा सबको लेके आना। तुम्हारा खस्सी कौन खाएगा, वही लोग ना खाएगा। चलो कोई बात नहीं है, जब राजा रानी को शादी हो रहा है अगर नचनिया आ गया तो सुरमल सिंह बहुत खुशी की बात है। याद रखना, देर मत करना। नहीं, मैं आ रहा हूँ। पल गिरने से पल रहे हो जाता है, इंसान का कोई गारंटी नहीं है। सही बात है।
महारानी जी, मैंने ये सिरमलपुर आया हूं बहुत आस लगा करके, ढेर सा जो कि महात्मा भिखारी रास्ता में ये सिरमलपुर का नाम लेते ही जा रहा था कि एक अबला नारी एक चौराहे रास्ता पर वह सादा बर्फ बांट रही है। मैं वही सादा बर्फ मांगने के लिए तुम्हारे दरबार आया हूं। जोगी बाबा भी जो कुछ बोला बिल्कुल सच बोला और महात्मा फकीर भी बोला सच बोला। रास्ते में जो भी भिखारी मिला वो भी सच बोला, लेकिन आज तुम्हारे नसीब में मेरे हाथों से खाना नहीं लिखा है। क्यों महारानी जी? अब वो तो परमात्मा जाने हैं। तुम्हारे दरबार से मैंने निराश होकर के चले जाएंगे तो भगवान तुझे माफ नहीं करे। किस भगवान की बात करता है तू? मैंने 12 साल ये चौबटिया में गुजार दी हूँ, हजारों महात्मा को मैंने इन हाथों से भोजन कराई हूँ। ना जाने क्यों जोगी लोग लाल वस्त्र पहनता है, चंदन टीका करके नारी लोगों को धोखा देता है। सबने मुझसे वादा करके गया, तुम क्यों रो रही है, तेरे देवर से जरूर मिलाऊंगा, आज तक नहीं आया। 12 साल गुजर गया, इतना ढूंढते ढूंढते मेरी नजरें थक गई, ना जाने क्यों मुझे बिसर गया है। आज ये पापी की राज में मैंने सदा बंद पढ़ना बांटना बंद कर दिया। क्यों? क्या जो मेरे पापों में सिंदूर देगा? क्या अगर तू कन्हैया बनकर आया है द्रौपदी की चीर को बचाने के लिए, तो बचा ले मेरे मांगों में सिंदूर देने से उस पापी को। तब पूछूंगी कि तुम्हें किसने भगवान बनकर आया है। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ वादा करता हूं रानी, भिक्षा लेंगे उसी शर्त पर जब तक तुम्हारी इज्जत का रखवाल नहीं करेंगे तब तक तुम्हारे हाथ से भोजन दान नहीं लेंगे। लेकिन लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि तुम अपना सही नाम पता मुझे बता दे और देख ले इस कन्हैया का क्या चमत्कारी है। इस कन्हैया के सुदर्शन चक्र से कोई पापी साला नहीं बच सकता है। अगर आज तू मुझे मदद कर देगा, मेरे देवर की तलवार में दाग लगने से बचा लेगा, मेरे स्वामीनाथ की पगड़ी गिरने से उसके लाल चुनरी में दाग लगने से बचा लेगा, तो मैं वादा करता हूं मैं अपने बदन की चमड़ी उतार कर तेरे पैर की जूती बना दूंगी मैं। तो सुन ले, अगर तुम सही नाम पता बताया मैं अपना गर्दन कटा लेंगे, लेकिन तुम्हारी धर्म को मैं बचा करके लिए जाएंगे। कहां का रहने वाली है? तुम्हारी नेहर कहां है? तुम्हारी ससुराल कहां है? तुम्हारी ससुर का क्या नाम है? तुम्हारी बाप का क्या नाम है? जब राम राज मिले थे तो माँ जानकी पूछी थी यही बात कि राम राज मिल गया मेरी वनवास क्यों ना छूटी, लव कुश ऐसा भाग किसी बालक का ना रूठी। धरती में समाने के टाइम में भगवान श्री राम से कह कर गया था कि मैं अब यहाँ से नहीं रहूंगी। धरती माँ से वादा की थी कि ये मेरी अंतिम परीक्षा, पूर्ण समर्थन तेरा, गोद में ले ले धरती, मुझको है ये जीवन तेरा। आज अंतिम मुझे संस्कार है, अंतिम परीक्षा मेरी है कि वो दुश्मन से तुम कैसे बचा लेते हो जरूर बताऊंगा। मेरी नैयर लेना किला है। क्या? मैं बेटी चंदेला सिंह की हूँ। मेरे भाई की नाम बाबू इनरदेव है। बाबा ने मेरी शौक से शादी की थी मोबीगढ़ में।
मेरे ससुर के नाम राजा जासर सिंह है, सास के नाम रानी देवल है, गोत्री के नाम नापुला रानी है, मेरे बेटा के नाम बाबू इंदल सिंह है, मेरी गोत्री के बेटा के नाम बाबू इंद्रजीत है। चल ठीक है, तो तुम सुरमलपुर कैसे आ गए? क्यों आई थी सुरमलपुर? ये पापी ने मेला झूठ मूठ के लगाया था। झूठ मूठ का मेला लगाया था? मेरे देवर की तलवार को ललकार रहा था, मेरे देवर को हिजरा बना रहा था कि अगर तू बाहुबली है रुदल सिंह तो मेरे मेला में पहुंचो, तुम्हारी ताकत और बाजू में तेरे तलवार में धार है तू, वरना हिजरा की औलाद तो अपने बीबी का चल में बैठ जाओ। उस समय मेरे देवर नहीं था, जंगल को भाग गए थे मेरे स्वामीनाथ के चलते। मैं अपनी देवर की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, मोबी किला की नाज को रखने के लिए, देवर की तलवार की धार को बचाने के लिए जो उसमें अपने होश को खो दिया, सुरमलपुर पहुंच गए उसकी मेला देखने के लिए। पापी की रात झूला खाली थी, सारी छतरी लोग तंबू लगा के सोया हुआ था। मैं कुछ सोची नहीं समझी, बेगर सोचे बिचारे भी उसके झूला पर बैठ गई। रावण की तरह हाथार मार के चले आया, भाई जबरदस्ती मेरी दोला उठाने लिया। मैंने इससे युद्ध की, युद्ध में मैं हार गए। उस दिन से 12 बरस उस देवर की राह को ढूंढती हूँ, इससे बहाना करके कि मैं तेरे राज में सदा व्रत बांटूंगी ताकि तेरे राज की पाप दूर हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ और पाप मेरे सर पर चढ़ गए। बचा लेगा तू, बचा ले वो पापी से आज। करिया पारा नाम पापी जी शरणा है तो समाचार बाद में भी होगा, लेकिन तुम यह बता दे वह कायर का औलाद कहां मिलेगा, किस जगह रहता है, उसका अड्डा कहां है? वो कायर वो नलायक मेरे बगैर एक पल कहीं नहीं रहता है। तुम्हारे बगैर नहीं रहता, उसका जीना रहना शान शौकत सब कुछ मैं हूं। कैसे? इसलिए कि आज आज 12 बरस पूर गया है। अच्छा, वो मेरे लिए मार्केट गया है शादी की कपड़ा लाने के लिए। अच्छा, आज शादी का कपड़ा लेने के लिए। हाथी की तरह झूठता होगा, आता होगा मन में लड्डू छूटता होगा उसको कि आज तो शादी करेंगे सोना रानी से। यूं ही समझ लीजिए देवर जी की, जब तक नहीं पहुंचा है तभी तक उसको लेट है, लेकिन करोगे क्या? अगर मेरे नजरों के सामने आ गया तो साले को आज ऐसा मार मारेंगे कि साला उसका मार को देख करके उसकी माँ की कोख सूख जाएगी। दुश्मन ऐसा बेकूप नहीं होता है कि फिर कभी वो तुम्हारे पास पहुंच। मेरे राज महबा के तरफ वो हरम ज्यादा हिजरा का बच्चा नजर उठा करके नहीं देखेगा। कैसे मिलेगा वो? उसको पाने के लिए 5 मिनट छिप कर बैठना पड़ेगा। अच्छा, बहुत चतुर चला के अगर पता चल जाएगा कि मोबी राज की छतरी पहुंच गया है तो किस सुराग से भागेगा, तो शायद 700 दिनों में नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, किस तरह से वो बेहूदा मेरे सामने आएगा? वो जैसे मार्केट से आएगा मुझसे शादी की वातावरण करेगा। अच्छा अच्छा, मैंने उसे रास्ते जाने के टाइम कह दिया हूँ कि नचनिया लेकर आना। मैंने उसे सवाल करूंगी नचनिया बजनिया कहाँ तेरा, वो कहेगा नहीं मिला। मैंने कहूंगी मेरे पास है। अच्छा, उसी टाइम में आवाज लगाऊंगी हर से पहुंच जाना। ठीक है भाभी, तब तक वो दुश्मन की तलाश हर वक्त उसके ऊपर मेरा नजर रहेगा। ठीक है देव। लड़की रे तैयारी रे राजी से
बोल कितना बड़ा बेकू पे मैं जहाँ भेजती हूँ वहीं जाके चिपक जाता है। पहले सुन सुनो रानी। अच्छा अच्छा लेट जो लगा है मैंने कपड़ा तो लाया बैंड बजा के ढूंढने में लेट लग गया। ये डीजे वाले नहीं मिला नहीं बैंड बजा मिला नहीं नचनिया मिला। पहले समझती थी फकीर के पास पैसा नहीं लगा नचनिया कैसे आ गया इसी में लेट लग गया। चलो ऐसे होने दे चलो कोई बात नहीं। लेकिन तुमको नचनिया नहीं मिला घर बैठे मुझे मिल गया। क्या तुमको नचनिया मिल गई कहाँ देखेगा जरूर देखेंगे शायद नचनिया का शकल देख लेगा तो तेरा मन गदगद हो जाएगा। सुन अगर राजा रानी की शादी हो रहा अगर इस पीछे में नचनिया आ गया है तो सुरमल सिंह बहुत खुशी की बात है। अरे खुशी की क्या बात है तू खुद नसीब तो है ये है फिर की कन्या फोकट की नचनिया। अच्छा जो नचन जो भी नचन अगर लेंगे दान दक्षिणा सुरमल सिंह देने के लिए तैयार है। बोलाऊं जरा बोला उरानी है तुम्हारे शादी में बधाई मांगेगा। और ये कौन है यही है सुरमल सिंह यही है हाँ आज इससे मुझे शादी होगी इसी के साथ तुम्हारी शादी होगी। जी 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 तब तो आनंद की बात है तुमको खुशी मनाना चाहिए। ये लड़की है हम लड़का है वो लड़की है साला तुम लड़की का भरवा है। कैसे है भरवा इसलिए कि देख वो लड़की तुम्हारी बराबर नहीं है वो लड़की लग रहा है कि तुम्हारी परिवार नहीं हो करके तुम्हारा दादी है। रे बेटा कहाँ बजना है खेत करता है खिदगर पाव करता है तो तुम खाएगा रे बेहूदा हिजरा का बच्चा या तुमको ये खिलाएगी। तूने जवाब दिया कि तुम भरवा उसका है हाँ सुन जवाब दे अब मुझे समझ में आ गया कि कौन है नचनिया है कि कौन है। जिस लड़की से सुरमल सिंह शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार था वो लड़की का भरवा आ गया है। रामजादा चोर का बच्चा साला चोर तुम्हें चुल्लू भर पानी में बेहूदा डूब करके मर जाना चाहिए। एक अवला नारी को तूने धोखा से तूने उठा करके दोला अपने राज में लाया। अगर तुम माँ का दूध पीता तुम्हारे बाजू में ताकत रहता साला सीना ठोक करके मेरे भाभी का दोला उठा करके लाता तो सोचता तुम मर्द का बच्चा जन्म ले लिया। रे उदास सिंह तुम्हारा भाभी का दोला उठा कर लाया देख अमानत खड़ी है। अरे मेरे भाभी का दोला को सोना चमड़ा आज भी नहीं छू सकता है। तुम कौन सा खेत का मूल्य था कि मेरे भाभी के ऊपर नजर उठ तुम्हारा भाभी भी दोला उठा कर लाया देख अमानत खड़ी है। तुम्हारे ऐसा भाभी राजा छतरी नहीं उड़े कितना छतरी के तूने मार दिया कितना औरत के तूने पिता बना के रख दिया। आज आज सुरमल सिंह तुम्हारा कर्तन मेरे तलवार के धार पर जाएगा और तुम्हारी रानी सदा के लिए मैंने तुम्हारी रानी का सिंदूर को मिटा करके ही जाऊंगा। माइकलाल साला पैदा नहीं लिया है कि बाबू रुद्र सिंह को मरते तब तक मैं सर को झुकाएगा। अरे ऊंचा बात मत बोल तुम्हारी पत्नी का कोख से
इतना पत्थर पैदा लिया रे, तुम क्या बोलेगा सांसद? शिव सिंह इधर सुन, उधर कहा जा रहा है? कहा जाएगा? मेरे रानी के कोख से इतना पत्थर पैदा नहीं लिया, मेरे रानी के कोख से ऐसा बेटा पैदा ले लिया जिस बेटा का नाम सुनता है भगवान या कोई देश का राजा महाराजा देवता मुनि, सब देवता मुनि को धरिया में साला पैसा उतर जाता है। ठीक है रुद्र सिंह, अगर तू अपनी माँ का दूध पिया है या अगर तू अपने भाभी का दौला आपस करने के लिए चाहता है तो सुरमा सिंह से फैसला करके चले जा। टिंगरा की बेटा ऊंची डार पर कर कौआ बैठे थे कबूतर बन जाएगा। सुरमा सिंह बोल, आज पता तुझे चल जाएगा, जो कोई साला मैदान से पीठ दिखा करके भाग जाएगा वह छतरी का बच्चा नहीं होगा। बिल्कुल कायर, तुम माँ का दूध पिया है ना? हाँ। तुम अभी चैलेंज किया है ना? मैदान से भागेगा तो नहीं? नहीं। अगर भाग गया नहीं भागेंगे, जो साला किधर भपकी देता है उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। जो आंवला नारी का दोला छल से उठा करके लाया उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना है। चल अरे सुरमर सिंह, तुम्हारा डर से नहीं भागेगा रे। सुरमर सिंह इतना खतरनाक आदमी है, ये किसी को मार देता है नादुल के साथ खून मर जाता। सुरमर सिंह तो चल, विलंब क्या है, तैयार हो जा। चल तैयार, भाभी इधर आ, हम जाते इस गेट पर भागेगा चोरवा, तुम मेन गेट पर खड़ी रहेगी। हाँ हाँ, बाद बाकी इसको हम देख देख देख। सुनो मास्टर साहब, एकरा कलिया गेट पर खड़ा रहे, आप देखियो नहीं बोलते, आप समझ गेलिए 12 साल से रहलो एकरे लगाने, तोरो पूरा मन दे रहा ब्याह करिए हमर दबा से छै ने डाले तब ने छोड़ दल कई हम अपना मारबो करे छै कलिए पकरू पकरू त एना है ना छुछु करे ना घुरिया आवे रे हम घुरिया रे ते हम जादी कई कई हमें तो 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 बलिए तू ले चल कोई बात नहीं है भाग करके जाएगा कहां किसी न किसी रोज साला कोई मेला में मिलेगा मैं इसे जीना भर से फिर किधर को मौत आएगा तो शहर की तरफ जरूर भागे चलो भाभी राज महबा चलिए देवर चलो महबा रुतला बाबू खान लटका पतिया लिए राज महबा जी, मैं तुझे रानी से मुलाकात कर बता, बहुत दिन हो गई है उससे मुलाकात करने के लिए मेरी आत्मा तड़प रही है। रानी आबे सुन ले या राजिया, रानी हमारा ये कबेरा या चरानी मोर साम लागे पूछा भाई जान के जा सारे ये कुसाला बाबू पूछ भाई स्वामी जी भाभीया बसुनी ना सुना है सुखुयमा
घर है यसी दगबान उलमा के जान तोहरे यसी दगबान रहल पुला बात किस्मत के खलबान में डालो न जाए नाई पैनी नई बहन यही घेसा बसाए बहन हरा मैंने तुम्हारी बात को काट करके बहुत बड़ी पनिशमेंट भोग चुकी हूँ। सबसे पहले बता कि जिंदगी कैसे कटी तुम्हारी जंगल में। जंगल में जिंदगी कैसे कटेगी बहन, जिस तरह से बत्तीसों दांत के अंदर एक जीव जिस तरह से रहता है उसी तरह से मैं सारे जंगल में मैंने सिंह सदूर के बीच में मैंने दोनों परानी डाली थी तीनों व्यक्ति जान बुझ नर की मैंने कितनी समझा रही थी प्यार से कि सारी संपत्ति ले ले सारी दौलत ले ले ये घर को मत वीरान कर। देख लिया ना तुम लोग को निकलने के बाद ये घर कैसे वीरान हुई कि पापी सुरमल सिंह ने भी मौका का फायदा उठा लिया। चल कोई बात नहीं, जो किस्मत में लिखा हुआ रहता है ये मिटने वाला कोई नहीं है। आज के बाद इस तरह की घटना तुम्हारे साथ मैं नहीं करूंगी, ना बच्चे की बात में बाहर कभी आऊंगी। चल हिल मिल के रहूंगी तुम लोगों के इस घर को फिर से स्वर्ग बनाऊंगी। हेलो आइए दोस्तों, मेला कमेटी की तरफ से आदेश अनुसार मिला है कि आज की रात फिर इसी रंगमंच पर इसी माता रानी के प्रांगण में सारा प्रोग्राम आप लोग के मोबाइल या एलसीडी टीवी में निकल जाता है, तो जरूर याद रखेंगे सुरीला भोजपुरी चैनल। और इस भगवती स्थान में जो भी